साजन लोको प्रेजेंट संगीत जी एक कल्याणकारी कर्म है। कल्याणकारी कर्म जो आपां महाराज ने बख्शिश किया इस माघ दे महीने सो सारी गुरसंगत दे चरणां च बेनती है ते साडी हाजरी प्रवान करो उचारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ प्रेम प्रेमिया दे मिलता है दिल जानी कोई कोई ऋषि मुनि महात्मा बहुत देखे उनका परम ज्ञानी है कोई कोई बहुत देखे दातिया दानिया नो पर पुत्रा दादानी कोई कोई दशमेश वांगू दरबार सिंगा करदा कुर्बानी कोई कोई करदा कुर्बानी कोई कोई किमें बिपरा सदमा दे बस होया केड़ी पूजा दी लोड़ सी शाम तेनू भजा फिरे तू मगर प्रेमिया ने कीता बेपरवाह गुलाम तेनू छड़ तुर जाए फिर सदा सरनू जो प्रेम दे मेल पैगाम तेनू छी फिर मैं कुंठ दरबार सिंघा केड़ा प्या स्वतंत्रा काम तेनू इवें बिपर सजामा जो बस होया स्वामी दरबारा सिंह जी ने शब्द लिखे हे भगवान तू प्रेम दे पिछे लाके बिपर पंडित गरीब सुधामा सी जय हो जय जा नामा बिप सुधामा गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी शब्द आउंदा है महाराज कहंदे नाम जप्यो जी ऐसे ऐसे श्रोम प्रहलाद जप्यो हर जैसे सत संगत जी महाराज कहंदे कि बिपर सुधामा दे वस होया केड़ी पूजा दी लोड़ सी शाम तेनू हे अकाल पुरख हे नारायण भज्या फिरे तू मगर प्रेमिया ने तेनू तेरे प्यारे याद करते है देशा विदेशा च बैठे तू सागर टप के रूप धार के उन्हां दे दुख निवार दे चला जाना भज्या फिरे तू मगर प्रेमिया ने कीता बेपरवाह गुलाम तेनू छड तुरदे तुरत सिंघासना नू जदों प्रेम दे मिलन पैगाम तेनू पैगाम माने स्नेहा हे ईश्वर जदों तेनू प्रेम दे स्नेहे दिंदे आ तेरे तारे होए आ इन लंगर दी सेवा कर रहे है तवियां ते बैठिया कोले बैठिया मेरिया माता भैणा प्रसाद ते पका रही है गुरमुख जन बर्तन साफ कर रहे है जदों तेनू प्रेम दे स्नेहे भेजदे है छड तुरदे तुरत सिंघासना नू जदों प्रेम दे मिलन पैगाम तेनू छड़ी फिरे दरबार बैकुंठ अपना केड़ा प्या स्वतंत्रा काम ते लाओ अशब्द पढ़ो ओए है कि भगवान ने भगतां दे कार्ज कीते जेड़ा सायन भगत सी ना ओ नाई सी राजा सिख सी राजे दियां मुठियां भन जाया करे बादशाह दी मुठी चापी कर लो इक दिन नाम समाधि लागी ओदी ओदे दसवें द्वार सवास गए सी अख ना खुली साध संगत जी टाइम टल गया भगवान ने सोचा कि मेरा ये भगत मेरी याद बैठा दी ड्यूटी ना फिर हो जाए कितने सैन नाई का रूप बना के भगवान राज के महल चले गए जाके बादशाह दी मुठियां भर लगते भगवान वो राजा कहता अज बड़ा आनंद आ रहा है दूजे दिन सैन भगत चलिया गया सैन दो हाथ जोड़ के खड़ गया बादशाह नूं कहिंदा पूत जी नरेंद्र जी नरेश जी
मैं तो कल आया नहीं गया, मैनू बख्श दो। बादशाह कहिंदा सैन जी कि कल तुसी सेवा करी आई ना, तो मैं आनंद ही नहीं आया जितने। भगत सैन ने सोचा ए मेरे था रब आ गया, सारी संगत कहो सतनाम श्री वाह। जेड़ा कबीर भगत सी, कबीर दे जाके होके देते भी कबीर से जग है, धनबाद है भैना माता रुपये बख्शियर तलवार कर होके देते भी जग है। आओ छको साधु महात्मा आ गए, कबीर ने डंग दाता नहीं। जो आ गए कबीर ने सोचा मना ये संत भुखे मुड़ गए फिर मेरी हानि हो, मैनू इन्हों का श्राप लगो। वो खेती हेठा पै गया। वो कहना हे वाहिगुरु हे अकाल पुरख, मैं उठू ता जे जग वरतावे आके। भगवान ने कबीर भंडारी कल्प विश और बाबा विश्वकर्मा नाल जी नाल भांडे करी जाते हैं, ते विष्णु जी सत्संगी लक्ष्मी रसोई तैयार करी जाती। कबीर दे जग वरताते भगवान ने आके। जेड़ा नामदेव सी शिवबा ओही जेड़ी गऊ सी ओ ईश्वर ने आप आके जिंदा कीती। तो इस बना ते एक कविता सुनो, वो ये है भई नीचोंच करे मेरा गोविंद, नीचोंच करे रोले वाले जत्थे तो शब्द शब्द करो जी तो पेश कर। गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे सुने उपदेश हमारा, सूत्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्री भगत हरी नो प्यारा, पीछे पीछे फिरे भगत दे सगली कष्ट हरे मेरा गोविंद, ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच करे ऊंच करे मेरा गोविंद। जन्म सैना दिल परीता उठिया, राम नाम बिच मस्त हो गया भरन गया ना मुठिया, सैना रूप बना के सामी मुठिया परे मेरा गोविंद, ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। जंगलां दे विच फिरे पीलणी भुखी प्यासी मरदी, राम नाम दे फिरे सहारे ना करदी ना डरदी, झूठे मेर पदार्थ करते भोजन निंद करे मेरा गोविंद, ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। भगत कबीर गरीब जान के कर्म मखान नगारे, खाओ यज्ञ कबीर भगत दे लोके कबीर बचारे, जग सपूरन करे खातर पहुंचा बकरे मेरा गोविंद, ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। ना जट पैग खेड़े ना पीवे ना खावे, पत्थर बिचो प्रगट होके पागल भोग लगावे, आ पाली बढ़ के गऊआ चारे भुखे न देख जरे मेरा गोविंद, ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। हरी बहत्तर बारी जिमीदार तने नी खेती करते रहे मरारी, हो दलिया दे अंदर वसना हो मन बिंद परे मेरा गोविंद, ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। नम शिंदा करत हरिदा करे गरीबी पारी, सकाही ब्राह्मण राजा दुश्मन मदद ये कमरारी, मोई गऊ जिगाउंदी करदी खुब्बे दुख तरे मेरा गोविंद, ऊंच करे
दोनों उठ करे उठ करे मेरा गोविंद। भगत कबीरा भगत सदामा महंदल दरी हर हर नाम जतारे चौर तख्त छद छत्र सगस मिलके कृष्ण प्यारे पंके मैं बना दे योगे जब तक में खड़े मेरा गोविंद ऊंच करे मेरा गोविंद नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। मामा न जा पुत्र प्यारे पंत प्यारे हर दे हर दे नाल कुकल बिच बह के भगत कलोला कर दे हो गोविंद हर हिरदे बिच बसदा हो बिंद बिंद परे मेरा गोविंद ऊंच करे मेरा गोविंद नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। बहुत ही हरमन प्यारी सा संगत बहुत सारी माया बख्शी ने बहुत सारिया परम बेटिया तिया देविया माता बहुत सारे पे बख्शिया बहुत सारी संगत वीर माया बख्शी भाई नरपाय सिंह जी रामे वाले जो अपनी मसाल आप हक महाराज ने दृष्टि करी है इन्हें सत संग जी महाराज के चरणों 50 रुपए बख्शिश कर गए ने। माघ के महीने गुरु के क्षेत्र बहुत सारी माया सात संगत अर्पण कर गई अति प्रवास की पैद अमृत बहुत महाराज कहते हैं वो कहने भाओ कटै मुख दे कुछ मांगत बुद्ध कटै चिंता चित पायो गर्भ कटै जुआ जंगम खेत पीत कटै मित्र केनत जायो रोग कटै कुछ औषधि खावत मान कटै मुख झूठ अलायो साधु की संग संसा कटै नित गोविंद गोविंद के गुण गाय अमृत बोध के शब्द गाय मारे कहने भाओ कटै मुख ते कुछ मांग भाओ ना मैं फरती इखलाक का कहने बंदे का इखलाक कि कटद कहने किसी के सामने हाथ हटने करके मुख ते कुछ मांग कहने बुद्धि किमें कटती है बुद्ध कटा चिंता चित पायो गुरमुख जल 50 रुपए गुरु के लंगर पाए। अच्छा जी भाई लागी जी माछी के पिंड बा स्रोता पिंड आए साल सालों बाबे की जगह से बुलाने ने बाबा अमरदास जी जाच 20 वरे हो गए आए साल वो कहने भाई लागी जी कहते 50 रुपए बनो नाम 50 रुपए दान ये जेडे इनाम है ये भी दान ही है अनाम तो असी लैन योग है ही नहीं इतने सत्संग जी इतना छोटे दास है बहुत सारी संगत में बख के 50 रुपए हो 100 रुपया हो संगत बख्शी किसी वीर दियां जां भैन दियां ऐनकां गिरियां समेत डब्बी वो जिस दियां भी गिरियां स्टेज तो आके लै लो जिस दियां ऐनकां गिरियां स्टेज तो आके लै लो। मैं जो शब्द पेश करता सी है पाओ कटै मुख ते कुछ मांगत बुद्ध कटै चिंता चित पायो कहने दर्व कटै जुआ जंगम के ध्यान लिखी सुन कोई कथा पेश कर लो थोड़े चरणों से। मैं सारी संगत को बेनती करता भोजन प्रशादा पानी छक के माता भैणा वीर बुजुर्ग इतने ही बैठ जाओ ताकि आप कोई कथा सत्संग जी महाराज के चरणों से साडा भी भला हो जाए सुनने वाले का भी सुनने वाले का ही भला गुरमुख जल वो भी 100 रुपया गुरु के पावन लंगर बख्शिश करके पातशाही कृपा कर अति प्रभाव सुनो कहने दर्व कटा जुआ जंगम खेत दर्व नाम है माया का वो कहने माया मनुखे किए करती है दान करने से कट जाती है शास्त्र कहता दान करे नर जगत में सुखी दुखी ये कोई सुखी करा तो सुख बदा दुखी करा दुख खोए कहने ये दुखी बंदा दान करे तो दुख घट जाता है सुखी दान करे सुख बढ़ जाता है कहने माया घटती कभी दान करने से तो फिर वाती है वो कहने दर्व कटाए जुआ जंगम खेल तो कहने जुआ खेलने से मदरा मास पान करने से वकार करने से माया का नाश होता है कहना प्रीत कटा मित्र के नत जायो रिश्तेदार दोस्त नू रोज सवाल पड़े से प्रीत कट जाती है
शास्त्र कहना रोग करता है कुछ औषधि खावत हो। रोग है तीन प्रकार का, एक तो शरीरक रोग है, एक हौमा रोग है, एक अंतःकरण रोग है। एक चीज गुरु जी संगत करके करती है, लंगर की सेवा करने वाले हो, स्वामी जगजीत सिंह जी के पावन प्रवचन मुक्ति दान देने वाले शब्द सुनने वाले हो, गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की कल्याणकारी गोद च बैठने वाले हो, गुरमुख हो, रब के चरणों में भावे हो। एक चीज गुरु की संगत करके अपने तो करनी है। तख्तूपुरा साहब तीर्थ हाजरी लाने करके अज अपने जो एक चीज करनी है, करना की है? वो कहते साधु की संगत संसा कटै नित गोविंद गोविंद के गुण गाए। गुरु की संगत करके गुरमुख संसा कर जाता है। बहुत सारिया परम भैं परम माता वीर बहुत सारे रुपए गुरु जी के पावन लंगर में अर्पण करके अति धनवाद किया जाता। एक शब्द ध्यान देके श्रवण करो, वो ये है कि हे जीव सत्संगे की पावर सिमर दे विच शब्द आता है, कहना इतों ए चल गए जिनके रथ नेम दलाल नसे सत सागर है अब लो जगमाही, जिन चाम के गोशन ते बल ते सब सैल पटोर तरो तरमाही, सुर राज दरै जिनके बलते जम राज जिता जितने जगमाही, इतने जग भीतर नाही रहे तो कौन रहू कौरे मनमाही। महाराज कहते राजा मानता तवर के इतों चले गए, सत्संगे जी पिरथू वर्गे चले गए, रामन वर्गे चले गए। महाराज लिखते है कहते राम गयो रावण गयो जाको बहो परवा कहो नानक फिर कुछ नहे सुपने ज्यो संसार। कहते फिर रहू की ध्यान दे के सुनो। महाराज कहते नाम रेहो साधु रेहो रेहो गुरगुरु बिंद लो गुरमुखो। एक शब्द ध्यान दे के बलवीर सिंह ते गुरचरण सिंह की जबानी सुनो, भी चंद रोज का मेला इतने हर बिन रहना की, दिल चो होमा त्याग मना। मैं तो बहुत उत्तम पवित्र भाग समझदा, जिनी संगत लोग वालों के गेट के अंदर आ जाती है सेवा कर, सत्संग जी मुक्त हो चुकी। महाराज ने अज खजाने खोलते, तवा सुनो भी चंद रोज का मेला इतने हर बिन रहना की, दिल चो होमा त्याग मना। सतगुर बाजो हो रानी छुटकारा जिंदगी दा पाल लै जे पालिया जंदा, सर बिच नहीं है घूमदी दूर किनारा जिंदगी दा समा संभाली तू जंदा, बिना मना तो पंज पूतक ने टिके वहना दी क्यों पे सुत्ता जाग मना, चंदर जदा मेला इथे हर बिन रहे आगी दिल चो हुमै त्याग मना। कोई तागल लाऊ कर सतसंग फकीरां दा चार पदार्थ जे लेने, धर्म दया सत असली चल जो रंग फकीरां दा कपट क्रोध नहीं रहने, जद वह तरिशना फेर मगारन डैना गी काम नहीं बुझू आग मना, चंदर जद मेलो इथे हर मन रहना गी फिर चो हुमै त्याग मना। चार मंजिला चढ़ के जद तू पंजवी ते जाने उथे ताणी उलझदी है, काबल मुर्शद बाज काबल तू तो खा खाने ऐते बाणी गुलजदी है। ओ वाह कर दे होर किसे तो तेरे रस लेना गी फालतू क्यों ने पाग मना, चंदर जदा मेलो ऐथे हर वेल रहना गी फिर चो हुमै त्याग मना। भला मंग तू सबदा तेरा हो लूगा आपे, बाबा नानक जी कहेंगे मैं कीती बकरे मगरों तू ही तू जापे तेरे बदले ने पेंगे। भला तेरा यार दुनिया ने कहना गी लाल बरम बराग मना,
ਚੰਦ ਰੋਜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇ ਲੈਣਾ ਗੀ ਦਿਲ ਚੋ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਮਨਾ ਨੱਚ ਲੈ ਕੱਕਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਂਗਰ ਸਾਈਦ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰ ਮਟਾ ਕੇ ਤੇ ਹਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਨਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ੂ ਆਪੇ ਔਗਣ ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਹੈ ਫਿਰ ਮਸਤੀ ਹੀ ਮਸਤੀ ਬਚਨ ਟੋਰਕ ਸੋਨਾ ਤਪਨਾ ਸ਼ੈਗੀ ਇੱਕੋ ਅਨਹਦ ਰਾਗ ਮਨਾ ਚੰਦ ਰੋਜਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਣ ਰਹਿਣਾਗੀ ਦਿਲ ਚੋ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਮਨਾ ਸਤਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਬੋਲ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾ ਮੈਂ ਸਤਗੁਰ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਬਣ ਜਾ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਅਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਖਰਚ ਬੰਨ ਤੁਰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਬਿਆਰੀ ਕਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰਾਗ ਮਨਾਵੇ ਲਾਲ ਭਰਮ ਰਾਗ ਮਨਾ ਚੰਦ ਰੋਜਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲ ਰਹਿਣਾਗੀ ਦਿਲ ਚੋ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਮਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏ ਸੁੱਖ ਮਨਾ ਲੈ ਉਸੇ ਦੀ ਤਾਗ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਧੋਗੇ ਬੰਗ ਤੁਰੂੰ ਦੇ ਤੂੰ ਖੜ ਜਾ ਆਪ ਬਾ ਫੜੂ ਨਮੋਸੇ ਦੀ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਮਾਲਾ ਭੂਸ਼ਣ ਗਹਿਣਾ ਗੀ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਮਾਲ ਕਰਨਾ ਭੂਸ਼ਣ ਗਹਿਣਾ ਗੀ ਛੱਡਣਾ ਨਕਲੀ ਬਾਗ ਮਨਾਵੇ ਸਾਰਾ ਨਕਲੀ ਬਾਗ ਮਨਾ ਚੰਦ ਰੋਜਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲ ਰਹਿਣਾ ਗੀ ਦਿਲ ਚੋ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਮਨਾ ਕਾਵਲ ਗੁਰਦਾ ਜਦ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਟਈ ਸਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਆਤਮਾ ਸੱਜਣਾ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਕੱਥ ਗਏ ਲੋਕ ਜਗੀ ਸ਼ਿਰ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਅਰਧ ਸਰੀ ਪਾਈ ਪੈਣਾ ਗੀ ਅਕਰ ਦੇ ਸੋਚਨ ਭਾਗ ਮਨਾ ਚੰਦ ਰੋਜਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਰ ਰਹਿਣਾ ਗੀ ਦਿਲ ਚੋ ਹਮੇ ਤਿਆਗ ਮਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਬੋਲੋਂ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਾਬਲ ਗੁਰ ਦਾ ਜਦ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਮੈਂ ਰੋਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਾਰੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਦੀਪ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਜਾਵੜਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੈ ਬਖਸ਼ੀਏ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਥਾ ਇੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਣ ਕਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ 50 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੇ ਪਾ ਮਿਲੇ ਰਘੂ ਰਾਇਆ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਸੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਸਭ ਕੋ ਮਿਲੀਏ ਤਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਭੇਕ ਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆ ਸੰਗੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਮੀਨੀਆ ਪਿੰਡ
यानी मैं नगर कीर्तन से बहुत गए पर मीनिए पिंड वर्गा मैं नगर कीर्तन नहीं देखा। हर एक पड़ाव से इन्ना प्रेम, यानी मैं ए लगता जब असि मीनिए पिंड गाउन जाने भाई तख्त उपरे साहब गा रहे धाम वर्गा कट मीनिया की समोसा संगत बहुत सारे पैर रख गए। मैं धनवाद कर श्रवण करो महाराज कहते जीव जब पैदा होंगे इन सब तो पहला प्यार का है भैनो माता वो कथा सुनो ध्यान के वीरो कहते पहले प्यार लगा थान दुध पहला मां के दुध इस जीव न प्यार है कहते दूजा पहले प्यार लगा थान दुध कहते दूजे मात पिता की सुत ये बच्चे के रूप च आंदा है इन पता लगता है मेरी मां कि है सब तो पहला मां का पता लगता है फिर बाप का उस तो बाद कि पता लगता है जीव नीजे भाया बाबी देव कहते फिर पता लगता मेरा वीर मेरी भैन भाभी कौन है तीजा चौथा कहते चौथे प्यार अपनी खेल गुरु ग्रंथ साहब पातशाह एक शब्द कहते हैं कहते चौथा पे जीव न खेड प्यारी हो जाती है पांचवें खान पीन की तांत छेवें काम न पूछे जात सतवें सांझ किया करवास अठवें क्रोध हुआ तन्ना। गुरमुख जन पंजाह पंजाह रुपए गुरु जी के लंगर में अर्पण करके पातशाह की कृपा कर गुरमुखों ध्यान दे के सुनो एक इस जीव से यहोजी अवस्था आती है वो है 13 to 16 साल की यानी 12 तो लंघ के 13 पैर धरता ना वो अवस्था आर्क पाउलिया ने लिखा वो कहना जोबन जवानी धन अबेब का चारों परम रिप रिप नाम है दुश्मन का कहना जद बंदे जवानी आती है कहना जोबन जवानी धन सोहनी जवानी बहुता धन अमेब का वड्याई कहते बंदे की दुश्मन जवानी पासे लै जाती है। अच्छा अगले दौरे च कहना है जोबन जवानी धन अबेब का चारों परम मित्र कहना उ मित्र है कहना क्यों कहना जे बंदे च जोर देता रब ने कहना उ जोर लैके लंगर च पहुंच गया लोगों वाले संतां दे चक चक के कड़ाहे पानी पा पा के संगत नूं पेश करदा रहा सब्जी बना के प्रशादे वरतांदा रहा वो जोर लग गया धर्म दे लेखे वो जवानी मित्र होगी जे माया आ गई उही दान पासे लग गई उही माया मित्र होगी अबेब का वड्याई है जी बहुत ही वड्याई मनुख की होगी मन ने सोच लिया मैं बहुत महान है फिर तो वह वड्याई जहर बन गई जे सोच लिया भी गुरु की बख्शी मेरा मुझ में कुछ नहीं जो है सो तेरा फेरे मित्र हो गई। हुण राजे का पुत्र सीसे दे सामने खड़ा है चढ़ती जवानी है आपके बाजू देखी जाता है मेरे बाजू च कि वलता नहीं पे मेरे पग तो नहीं कोजी हूँ मत्थे दे विच एक गोल जिहा निशान नजर आया वो राजे का पुत्र सी उहदा नाम सी रतन सैन ये गुरु की हस्ती है गुरु की कविता है रतन सैन राजे का पुत्र सी चढ़ती जवानी बड़ा सुंदर होशन आह जब मत्थे ते दाग जिहा नजर आया एक उन्हें नौ ना खुरच के देखा कहिंदा आह इहदे मत्थे च दाग है मेरे ये तो मत्थे दे विच खुब्या है कि आपकी मां को आ गया मां नूं कहिंदा माता तू मेरी पालना सही ढंग ना ना करी अज तक किसी पुत ने मां ते सवाल नहीं करिया भी तू मेरी पालना ना करी मां पुत्र दा प्यार वधा के सीर चंगाउंदी है आप गिले थां पैंदी पुत नूं सुके पाउंदी है मां दा तां देण दित्ता ही नहीं जांदा 9 महीने पेट चक्की फिरदी रही फिर पालना करी आप गिले पे ही पुत्र नूं सुके पाया आहा असर वो रतन कुमार राजे का पुत्र आके कहना मां
जरा मेरे मथे च दाग है ये कहदा वो कहंदी तेनू की शक है मां कहंदी है और राज कुमार कहना मां मैनू छाके है मैं निक्का हुंदा किते खेलदा फिरदा सी मैं थल्ले गिर गया मेरे मथे च खुप गया कोई रोड ठीकरी मैनू तू सामभ्या नहीं दाग बन गया मां जिस घोड़े ने मथे च दाग होवे ना उन तगारे वाला घोड़ा कहंदे है मैनू किते जवान होए नू तगारे वाला मर्द ना कहण लग पैण पर मां हसी आंदी है वो चिन्ह गुरु तेग बहादुर दा दित्ता मथे च मां नू पता है आ सुनियो कथा सुन लड़ी है बालक कहंदा है राजा रतन कुमार असाम ताके दे राजा राम राय दा पुत्र जिन्हू बिशन सिंह लिखे है जिदे ग्रह गुरु तेग बहादुर गए है सारी संगत एक बार कहो सतनाम श्री वाहिगुरु सुनो ते राज कुमार रतन सैन आपकी मां नू पुछदा है नी माता मेरे मथे च निशान कास दा मां ये मेरे मथे दाग कहदा है आपकी मां नू पुछदा है ये प्रवीण ते गुरचरण सिंह तो चाहो शर्म कर जी ध्यान दे कहंदे हीरियां दा मुल जौड़ी बच्चे जानदे लाला दी कदर जौड़ी बच्चे जानदे नूर दी चले कमीर ले पछाणदे नूर दी चले कमीर ले पछाणदे मन पूरन शरीर दा बोलिया कमर पुत्र अमीर दा बोलिया कमर पुत्र अमीर दा खेड़िया गुलाम दा पुष्प पासदा गुलाब का पुष्प पासदा माता मेरे मथे च निशान कासदा माता मेरे मथे च निशान कासदा गब्बरू दे दंद मोतियां दी लड़ी है आज तेरा साल दी जवानी चढ़ी है आज तेरा साल दी जवानी चढ़ी है मिश्री तो मीठा ते सुदे बलासदा माता मेरे मथे च निशान कासदा माता मेरे मथे च निशान कासदा यादुरू बधू च यादुराग है तीजा यादू लक्ष्मी दे चौथे भाग है तीजा यादू लक्ष्मी दे चौथे भाग है यूसुफ तो सोना तोर पे आकाशदा माता मेरे मथे च निशान कासदा मैया मेरे मस्तक निशान कासदा युद्ध विच जेड़े पट दे गरद है पट दे गरद है नलोतम कोड़े ते मरद है कोड़े ते मरद है मोतियां नु फिर हर सतनासदा मोतियां नु फिर हर सतनासदा माता मेरे मथे च निशान कासदा माता मेरे मथे च निशान कासदा हल करे करे नक्शान लोड़े वे कहिंदे ये नगाड़ा दार होवे कोड़े वे मथे च नगाड़ा दार होवे कोड़े वे होवे ना कुसान सोस दे गड़ासदा माता मेरे मथे च निशान कासदा मैया मेरे मस्तक निशान कासदा संसार हर चन हर दा विष्णु दा कम अन्न दे भंडारे दा ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਲਾਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਲਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਸਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਸਦਾ ਹਰ ਦਾ ਬਰੰਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਦੂਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਦੂਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰਾਸ ਦਾ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਸਦਾ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਸਦਾ ਕੈਸੇ ਸੋਹਣੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਏ ਮੋਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਡਿੱਠਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਡਿੱਠਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਰ ਲੈ ਭਾਰ ਮੰਗੂ ਪਾਉ ਜੋ ਸੁਣ ਬਣਾ ਸਦਾ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਸਦਾ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਸਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਹਮਲਾ ਪਰ ਮਾਮ ਡਾਲੇ ਤੂੰ ਸੋਮਨਾਥ ਅੱਖ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾ ਲੈ ਤੂੰ ਸੋਮਨਾਥ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾ ਲੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਰਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਖਾਸਦਾ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਸਦਾ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਸਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਸਦਾ
परम वीर परम बेटियां थिया माता भैणा बहुत सारे रुपए महाराज के लंगर में अर्पण कर गए। सच्चे पातशाह कृपा दृष्टि कर स्वामी जी ने एक बार महाराज के दर से इतने दीवान लगा सी तख्त उपरे साहब स्वामी जी ने एक शब्द कहा सी महाराज स्वामी दरबारा सिंह जी ने वो कहते गुरमुखो असी कहने बीजी की नंगी तार नू फलाने का हाथ लग गया फलाने का एक्सीडेंट हो गया बच गए दिता लिया अगे आ गया। महाराज ने कहा सिखो तेनू दिते लिए का पता है कि फिर महाराज ने यह गल दसी सी कहते जरा अस कहने ना भी दिता लिया साडा अगे आ गया वह आ लंगर की सेवा है जरा महाराज ने आपके पावन मखार बिल चो स्वामी जगीत सिंह जी क्योंकि गद्दी च पावर है यह गद्दी छेवे पातशाह के पावन मखार बिल चो उचर के दरगाही मंजूर गद्दी है लोको साहब बाद सरदार अजैब सिंह जी महाराज के 24 घंटे कोले रहने वाले। बच्चा पुछता है कहना मां आ मेरे मत्थे च दाग कदा है करदा बरंच किसी की नकल ना एक नाल मिले दूए की शकल ना माता मेरे वर्गा मत्थे च गोल दाग नहीं किसी ने वेख्या ये इना गोल किवें दाग मेरे आ गया रचिया संसार है रचन हारे का विष्णु का काम अन्न दे भंडारे का लै करी जाता वासी है कैलाश का एक शब्द अपने पढ़ते हैं एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण। भाई अजागर सिंह जी कवि जन कवीश्वर बस महाराज के सेवक बहुत सारे पे बख्श गए ने हो सास संगत का धनबाद सुनो कर ध्यान देखे एक संसारी संसारी कौन है ब्रह्मा भंडारी कौन है विष्णु लाए दीवान कौन है शंकर। और बच्चा उसकी मां को कहना मां ब्रंच ब्रह्मा ने मेनू ये दाग मत्थे का देता मालक दे करे नुकसान लोहड़े दे कहंदे ने दगाड़ा दाग होवे घोड़े दे हो जे नुकसान स्वास्थ्य ग्रास दाग मां जगारे आला घोड़ा जिस किले बजे ओ किले वेले कर दिंदा मैं बनने राजा फिर मैं तो जगारे आला राजा होवांगा। मां कहंदी है साडे वीर गुरदेव सिंह जी सोहिया वाले मैं एहो जे सेवकां दे चरणां दी धूड़ी परसदा जिहड़े महाराज दे दर ते साडे उदो समय एहो जे सी ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸੋਹਣੇ ਗਾਉਣ ਜਾਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਆ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਿਆ ਮੇਰਾ ਸੀਰ ਚੁੰਘਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ए मत्थे ने चिन्ह नू दाग ना कही बेटे ए जरा तेरा मत्थे दा चिन्ह है ए ता मैनू तेरे जन्म तो 1.5 साल पहले ही पता लग गया सी मेरी कुखों जरा पुत्र पैदा होगा ना ओदे मत्थे च एक चिन्ह होगा। मुंडा होर हैरान हो गया वो कहिंदा मां राजकुमार हैरान हो गया मां मेरे जन्म लैण तो पहला तेनू इन्नी अंतरयामता सी तू गुरु दे दर ते सेवा करती सी कहिंदी नहीं मैं ना सेवा कीती है मैनू अंतरयामता भी नहीं सी। वो कहिंदा मां फिर मेरे जन्म तो 1.5 साल पहला तेनू किवें पता लग गया ते मेरे पेटों जरा पुत्र होगा
स्वामी जी दे कल्याणकारी बचन आप श्रवण कर रहे थे स्वामी जगीर सिंह जी दे राक्षस तो देवते बनाने वाले सारी संगत एक बार कहो सतनाम श्री वाह सुनो कृपया देखे और मां कहती पुत्र कहती मैनू पता सी कहती मैं 30 साल मेरी शादी हुई हो गए मेरे पुत्र ना ती होया ना मैं गुगे बड़ी बहुत पूजे मैं देवियां पूजियां पर मैनू किते खैर ना पई जिस मां दे पुत्र नहीं ना उन्हूं सेवियां ते रोटियां भी पकाउनियां पैंदियां पुत्र जेही ही वास्त प्यारी जिसकी भुखी दुनिया सारी गुगे ते मरियां पजवावै सिवियां उत्ते रोटी लुआवै मारे कहिंदे पुत्ती गंध पवै संसार आहा मां कहिंदी पुत्र मेरी आयु 45 साल दी होगी 15 साल दी सी जद मेरी शादी हुई मेरे कोई पुत्र धी ना होया मैं थक गई रब नू पूज के मैं नरासी होगी और बस मना हुण तां तू उतरी जाएगी अपने महलां च मां दसदी आ पुत्र नू कहिंदी फिर अपने महलां च श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह तेग बहादुर हिंद दी चादर अपने महलां च आए अपने महल बहुत सुंदर सी परंतु गुरु तेग बहादुर पातशाह तेरे बाप राजा राम राय नूं कहिंदे राजन तेरे महलां च रौनक नहीं है मैं समझ गई मां कहिंदी मैं ये गल समझ गई भी गुरु पातशाह रौनक क्यों कहिंदे महाराज ने सवाल किया सी भी थोड़े बच्चा है नहीं रौनक हुंदी करे बच्चों की गल नोट करो सोने कंधा कढ के मकान पाया हो किसी का करे बच्चा नहीं तो निष्फल है गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते हे राजन तेरे महलों च रौनक है नहीं मां पुत्र नु दसदी है कहती मैं महाराज गुरु तेग बहादुर पातशाह के चरण फरदे जा मैं क्या सतगुरु जी रौनक लाने वाला तुसी सानू दिता ही नहीं महाराज सानू पुत्र दी बख्शिश नहीं तुसी करी महाराज तेरी कृपा ना साडे पुत्र हो सकता है श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अपने हाथ चो मुंदरी लाई मां दसदी है पुत्र नू मुंदरी लाई ला के मुंदरी तेरे बाप दे मत्थे नू लाती राजा राम राय नू राजा बिष्णु सिंह दे तेरे बाप दे मत्थे नू ला के मुंदरी श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह कहंदे हे राजन अज तो 1.5 साल नू तेरे घर पुत्र पैदा होवेगा 18 महीनिया नू आ जिहड़ी साडी मुंदरी तेरे मत्थे जिन्ना थां रोके ना मुंदरी ने छाप ने साडी छाप दा तेरे पोते मत्थे च निशान होवे सारी संगत कहो सतनाम श्री वाहे आह मां कहिंदी है कहिंदी गुरुआं दी बख्शिश दा इह किन महान वे नौवें गुरु तेग बहादुर दे गए वरदान वे कहती बेटे ये तू मेरी संतान होवेगा ना अज तो बाद इन दाग ना कहे ये गुरुआ की बख्शिश का चिन्ह है असि कहने भी श्रवण भगत के जेडे मां ते बाप से अंगला अंगली सी अंगला अंगली नहीं सी उन्हों का नाम नहीं सी अंगला अंगली श्रवण की माता का नाम सी सावित्री पिता का नाम से दूलानंद
अंगराम जी के मुख बागे उन्होंने पुत्र ना होया, उन्होंने शंकर को भगती करी। भगवान शंकर प्रगट होके कहने मंगो की मंगते हैं, तो कहने पुत्र देने। भगवान शंकर कहने पुत्र का दे दो, चार नेत्र दे दो। मां ने ते बाप ने पुत की खातर चार नेत्र देते, अंगलादरी ना बचे। ते गुरु तेग बहादुर तेरी बख्शिश करके मैनू करे आके तू अजे भी मथे का दाग कहना है। बेटे शनीता मां का पुत्र भाई गुरुदास जी ने एक शब्द कहा, वो कहने तू हसदा कर आया। लवा शब्द सुनो, सारी गुरसंगत को बेनती कर रहे, जितने एक मिनट बख्शिश हो बड़े विलक्षण ये पाल घड़िया सानू मिले, अपन बैठ के श्रवण करो। मां कहती पुत्र नू, कहती गुरुआं दी बख्शिश दा ये चिन्ह महान वे, नौवें गुरु तेग बहादुर दे गए वरदान वे। बेटे तेरा जिहड़ा मत्थे दा चिन्ह है ये गुरु नवे पातशाह दी छाप दा निशान है। हुण मां पुत्र नू दस दिया रोटियां वाले जथे तो हे दौड़िया जा दुल्ला नंद ते शंकर भगवान वे, नौमे गुरु तेग बहादुर देगे वरदान वे, नौमे गुरु तेग बहादुर। लाड लिया परम प्यारिया मारिया को परमा दा, पूतला पंज तत्तरा साजा ये परमा दा, अपनू मिलिया बेटा फलवे सब करमा दा, गुरुवाली बख्श लाए चिन्ह महान वे, नौवे गुरु तेग बहादुर देगे वरदान वे, नौवे गुरु कृपा करके साधे दीपक बुझ गए दाता दे जावा दे, पुत्रा तो बिना लाड लिया हाल बुरे मामा दे, मस्तक मैं रही कसौली धरमी मित थावा दे, पुत्र बिन माता भूमि कल्लर स्थान वे, नौमे गुरु तेग बहादुर देगे वरदान वे, नौमे गुरु तेग बहादुर। हुशनानी मालक मावा हो बन गए परियां मैं, राजा दे खानदान मैं गंगा दे परियां मैं, सूरन दे पट्ट हडावल रेशम दियां चरियां मैं, ने बाजो सुनना लगदा जहान वे, नौवे गुरु तेग बहादुर देगे वरदान वे, नौवे गुरु काला ते नौंदी आए उठे ते मरिया पुजे चंदी ते आउंदी आए, पुत्तर दी खातर रोटी सरिया मिच लाउंदी आए, बालक दी खातर वारे अपनी जिन जान वे, नौमे गुरु तेग बहादुर देगे मरदान वे, कर गे ने नजर मेहर दी। पुत्तर सानी तामाना बैठा विच अरश वे, मैनू भी पुत बख्श दे मछली जो तरस वे, आर जू बीती अद्धी नंगे कई वरसा वे, तन्ने जो बख्शन आ गया घर में संतान वे, नौमे गुरु तेग बहादुर देगे वरदान वे, नौमे गुरु कृपा कर गए। धरती जादू खोरी राज सी ढाके दा, हो गया सी बचन पवित्र दुनिया ने रखे दा, जो दुल्ला मिल दे शंकर भगवान वे, नामे गुरु तेग बहादुर लगे मेरे दर्शन में अवतार गुरु, पर जिन तू मेरा कर दे धरनी दा पार गुरु। सत्संग जी मैनू गल याद आई, एक कविता की आखिरली पंक्ति सी, एके तो एके तो साता पागे छेवे अवतार गुरु, भवजल तो बेड़ा कर दे धर्मी दा पार गुरु, सोमनाथ पंडित ताई रखन दरबार गुरु, इलू गुरचरण रखणगे पूर्ण ईमान वे। स्वामी दरबारा सिंह जी सच्चे पातशाह गरीब नवाज पातशाह जिहड़ा
छेवें पातशाह का दरबार है लोपो, जिथे महाराज ने गद्दी बख्शिश करी आ लोपो वाली, उथे तलाब की सेवा कराते लोपो दे एक भाई से उसके पुत्र ही नहीं सी। महाराज स्वामी जी कहते वो आया मथा टेकन, स्वामी जी कहते भाई मास्टर जी अज पुत्र लैन का मौका है, छेवें पातशाह के दर की सेवा चलती है, ते एक गद्दी सीमेंट की लिया दे, सालों पहला पुत्र हो जू। वो कहता जी मैं घरे जाके राया करा वा। स्वामी जी कहते करा एक उथे बाणिया बैठा सी सेठ, वो बैठा बैठा कहता जी जे असी लिया दी साडे भी हो जू। महाराज कहते थोड़े भी हो जू। वो बाणिया तुर गया मोगे न, चार पंजा घंटे बाद लोको वाला भाई भी आ गया। वो आके कहना महाराज साड़ी राय होगी, असी गड्डी सीमेंट की लियावे। महाराज कहते हुण तां तीर चल गया। स्वामी जी कहते हुण तीर चल गया। असड़ो करा बेनती एक एक शब्द जेडे सानू जगजीत सिंह जी जदों बोलते हैं उदो महाराज के बोलों की उही झलक है जी जी छेवें पातशाह ने बख्शिश करी है, वो झलक पी है। कर्मां नू कोहां नू कर्मां ना करो, वो कोहां नू कर्मां कर दो। मां जरा तू कहनी है कि बालम पुत्र दरिया से पुल है नहीं, कबीर साहब कमाला कमाली बेटा ते बेटी ते लोई नदी पार कर लगे, ते बेड़ी वाले नूं कहिंदे कहिंदे भी सानूं नदी पार करा दे। वो बेड़ी वाला कहिंदा कहिंदा भी गल ये है मैं नदी पार नहीं करा सकदा, तू नाम जिहड़ा जपदा उसे तो करवा ला। कबीर ने पानी ते चादर सिड़ती, कहिंदा भी इहदे ते बहि जाओ, उत्थे शब्द चारिया दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ायो बेड़े। बच्चा कहना मां जिस गुरु ने मेरे मत्थे नू बाप दे मत्थे नू छाप ला के कहा है वो बरम पुत्र दरिया भी पार कराऊगा, तू मेरे नाल चल आपा गुरु दे चरणे च पेट चढ़ा के आईए। लो आ कविता सुनो ध्यान देखे सर संगे जी। हुण मां कह मां नूं पुत्र कहिंदा चल सीस नवाईए मां, जिवें आपां घरां तों चलदे आ स्वामी दे दर ते जां लोपो जां तख्त उपरे साहब जां जिहड़े होर दीवान हुण दित्ते आ, मल्ले माणू के दीवान दित्ता होया महाराज दा, पिन लौके दीवान दित्ता होया महाराज दा। सर संगे जी जगरावां आपां जाने आ फिर शब्दां नाल कुछ लै के जाने आ। कविता सुणो ध्यान देखे। हुण बच्चा कहिंदा है कहिंदा चल सीस नवाईए मां जग रचने हारे दे उहदे चरनी चलीए, रोडिया वाले जत्थे तो क्यों शर्म करो। जिन तिल का जंजूर रखिया, जिन तिल का जंजूर रखिया, पंगत भाईचारे दे मां चरनी लग जाइए, ओ प्रीतम प्यारे दे। मालक सौरा भाषण हारे सी, जो भाषण हारे सी आ जन्म हमारे ने, हमार चरनी लग जाइए ओ प्रीतम प्यारे ने। ऋषि मुनि जग सर दो सब सुनु त्यों दे, सब शेष नाग मर गए रगा नु गाउंदे ने। मालिक तर लोकी दे जग रचने हारे ने, मां चरनी हरिए ओ प्रीतम प्यारे दे। चल सूरज गगन सभी सब ओ गई अंदर गई, ओ सर भेज मां लख पीर पैगंबर ने, जल मार तोड़ दते
ਜਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਾਗਰ ਜਨ ਖਾਰੇ ਦੇ ਹਮਾ ਚਰਨੀ ਲਗ ਜਾਈਏ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਉਧਰ ਕੰਜੂ ਰੱਖਿਆ ਉੱਚੀ ਲਲਕਾਰੇ ਦੇ ਮਾਂ ਚਰਨੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣੀ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਸਵਾਣੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਮਾਏਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ ਉਹ ਪਰਮ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਾਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾਰੇ ਦੇ ਕੱਲ ਤੇ ਆਜ ਸਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਸ ਮਾਜ ਸਵੀ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਸਵੀ ਹੈ ਮਿੱਥਿਆ ਰਾਜ ਸਵੀ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਮਾਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਮਾਰੇ ਬਹੁ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਯੋਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਂ ਕੁਝ ਪੇਡ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਗ ਰਚਣ ਹਾਰੇ ਹਮਾ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰਾਣੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਦਾ ਦਰਿਆ ਨੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤੋੜਨ ਤਾਣਿਆ ਦਾ ਸੋ ਮਨ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟ ਤੇ ਸੀਡੀ ਅਤੇ ਡੀਵੀਡੀ ਜੋ ਕਿ ਭਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਜਨ ਫੋਟੋ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਦੌਦਰ ਚੌਂਕ ਲੋਪੋ ਮੋਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ